Hello students, a very good morning to all of you. I hope all of you are doing your revision work. Tomorrow will be your SS periodic test and I hope all of you start your revision work. आप सभी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने पीरियोडिक टेस्ट की. सो आज हम दोबारा से जो हमारा पीरियोडिक टेस्ट का सिलेबस है दैट इज ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर एंड इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर. हम वैसे भी अपने प्रीवियस वीडियो में वो रिवाइज कर चुके हैं लेकिन आज आपका फाइनल रिविजन है, आपका पीरियोडिक टेस्ट होगा. सो लेट स्टार्ट रिविजन. सो फर्स्ट वी रिवाइज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी. ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एज ए जीके के क्वेश्चन हमें उन्हें लर्न करना चाहिए, काइंड ऑफ जनरल नॉलेज. ओके, सो फर्स्ट लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल. लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया. अब जब भी लैटिट्यूड वर्ड आए या लॉन्गिट्यूड वर्ड आए, सो लैटिट्यूड में आपको ये पता हो कि यहां से और यहां तक मींस कन्याकुमारी से एंड जम्मू कश्मीर तक का जो एरिया है दैट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन. बीच में लैटिट्यूड्स हैं बहुत सारे. ओके, एंड ये जो हम यहां से स्टार्ट करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि इंडिया बताया गया आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहां से. सो ये जीरो डिग्री है तो 8 degrees 4 minutes मीन्स ये है 8 degrees 4 minutes. 8 degrees 4 minutes से लेकर के एंड दिस इज 37 degrees 6 minutes नॉर्थ. ओके, 8 degrees 4 minutes नॉर्थ टू 37 degrees 6 minutes नॉर्थ. ओके, अब लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन में हम गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश. सो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कहां से कहां तक का है दैट इज 68 degrees 7 minutes ईस्ट, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. सो ये लॉन्गिट्यूड ईस्ट एंड दैट इज 97 degrees 25 minutes ईस्ट. सो सबसे ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड एमसीक्यू में है ये क्वेश्चन कि ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है दैट इज 97 degrees 25. सबसे ईस्ट में कौन सा लॉन्गिट्यूड है, सबसे वेस्ट में कौन सा लॉन्गिट्यूड है, इसमें कौन सा लॉन्गिट्यूड है दैट इज 97 degrees 25 minutes ईस्ट. सबसे नॉर्थ में कौन सा लैटिट्यूड है, सबसे साउथ में कौन सा लैटिट्यूड है. तो ये लॉन्गिट्यूड होंगे ईस्ट एंड वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ ही लैटिट्यूड पूछे जाएंगे. सो लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन आपको लर्न करना है. मैंने वर्कशीट में भी आपको 2 or 3 times लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन रिवाइज कराया ताकि आपको लर्न हो जाए. ओके, सो ये फैक्ट आपको लर्न करने पड़ेंगे, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन. ओके, जो वर्कशीट मैंने आपको दी है उसके आंसर की में भी आंसर है. ओके, तो आपने लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन में क्या लिखेंगे 8 degrees 4 minutes जो हमने सेम यहां पर लिखा है नॉर्थ टू 37 degrees 6 minutes नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूडनल में 68 degrees 7 minutes ईस्ट टू 97 degrees 25 minutes ईस्ट. सो ये फैक्ट आपको सबसे पहले लर्न करने इस चैप्टर में. ओके, नेक्स्ट इज ये नॉर्थ है एंड ये साउथ है. नॉर्थ से साउथ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है. सो नॉर्थ टू साउथ जो टोटल डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर एंड अगर ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस की बात करें 933 किलोमीटर. ओके, सो ये डिस्टेंस है. उसके बाद में आता है स्टैंडर्ड मेरिडियन. स्टैंडर्ड मेरिडियन वो मेरिडियन है जिसका टाइम पूरे कंट्री में फॉलो किया जाता है. तो इंडिया में ऐसा स्टैंडर्ड मेरिडियन ये है जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पास हो रहा है. उत्तर प्रदेश मिर्जापुर. ओके, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से क्रॉस होता है एंड इसका नाम है 82 degrees 30 minutes ईस्ट. 82 degrees 30 minutes ईस्ट. सो स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने पढ़ लिया, नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन हमने रीड कर लिया. ओके, सो अब हम देखते हैं साउदर्न पॉइंट क्या है. इंडिया का साउदर्न पॉइंट कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी. लेकिन इंडियन यूनियन का अगर आपसे साउदर्न पॉइंट पूछा जाए, इंडियन यूनियन साउदर्न पॉइंट, सो दैट इज इंदिरा पॉइंट. यहां पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है तो निकोबार का जो लास्ट पॉइंट है दैट इज इंदिरा पॉइंट. ये इंदिरा पॉइंट है.
लास्ट ओके तो हमने ये भी पढ़ा था कि 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें सबमर्ज हो गया था, लेकिन स्टिल इसे फिर भी इंडिया का साउदर्न पॉइंट बोला जाता है इंदिरा पॉइंट को, जबकि इंडियन इंडियन यूनियन का साउदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट, जबकि इंडिया का साउदर्न पॉइंट पूछा जाए तो कन्याकुमारी। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, यहां पर अरेबियन सी है, अरेबियन सी ये मैप में भी लोकेशन फिल करने को आ सकते हैं कि अरेबियन सी फिल करिए या कोई भी आइलैंड ग्रुप या नेबरिंग कंट्रीज। जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का मैप सेंड किया था आपके होमवर्क में, उस मैप को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। स्टैंडर्ड मेरिडियन भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि मैप होता है वो ज्योग्राफी से ही रिलेटेड होता है, और ज्योग्राफी में हमने एक चैप्टर पढ़ा है उसमें जो मैप है वो नेबरिंग कंट्री का मैप है, एंड एक मैप है जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, आइलैंड ग्रुप्स सब शो कर रखे हैं। सो वो एक मैप आपको लर्न होना चाहिए। ओके, सो वो मैप आपको रिवाइज होना चाहिए। ओके, सो यहां पर अरेबियन सी है एंड हियर इज द बे ऑफ बंगाल। सो बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड ग्रुप है? अंडमान है, निकोबार, एंड अरेबियन सी में है लक्षद्वीप। ओके, सो फिल करने को आएगा तो भी आप ऐसे ही फिल करेंगे। ओके, उसके बाद में है, सो नेक्स्ट इज कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन एंड टोटल बाउंड्री दोनों में क्या डिफरेंस है बताया गया था आपको पहले भी। सो कोस्टल लाइन वो लाइन होती है जो सी से टच होती है, जिसके एक साइड सी है। सो यहां से एंड यहां तक, वेस्ट बंगाल से गुजरात तक का जो पार्ट है, ये जो टोटल एरिया है, ये जो टोटल बाउंड्री है, दैट इज 7517 किलोमीटर कोस्टल लाइन है, जबकि टोटल बाउंड्री की अगर हम बात करें पूरी बाउंड्री, सो दैट इज 15,200 किलोमीटर। ओके, एरिया वाइज इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है, तो छह बड़ी कंट्रीज जिनका एरिया ज्यादा है इंडिया से, क्या बताया था? आरसी, यूसी, बीए, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। ये छह कंट्रीज हैं जो इंडिया से बड़ी हैं एरिया वाइज। इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एरिया की बात कर रहे हैं, इंडिया का टोटल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये इंडिया का टोटल एरिया है, जबकि वर्ल्ड का कितना परसेंट है ये? 2.4%। ओके, सो नेक्स्ट इज नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। इंडिया की नेबरिंग कंट्री कौन सी? देखिए, डायरेक्शन वाइज मैंने आपको बताई थी, नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, सो नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया आप डायरेक्शन वाइज ही लर्न करेंगे, सो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगी, एंड मैप में भी आप फिल कर सकते हैं फिर उनको। ओके, सो नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्टर्न में, साउथ एंड ईस्ट। सो नॉर्थ में है नेपाल, चाइना एंड भूटान। नॉर्दर्न वेस्टर्न कंट्रीज में पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। साउथ में श्रीलंका, मालदीव्स, श्रीलंका एंड मालदीव्स। एंड ईस्ट में है बांग्लादेश एंड म्यांमार, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ओके, सो एक क्वेश्चन भी है नेबरिंग कंट्री का कि डायरेक्शन वाइज, तो आप ऐसे लिख सकते हैं उनको। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो लैटिट्यूड है जो इंडिया को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए आपसे स्टेट पूछे जा सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से पास होता है, तो यहां से हम चलेंगे, दैट इज सबसे पहले गुजरात, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा एंड मिजोरम।
तो ये एट स्टेट है, ये एट स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है. ओके सो ये एट स्टेट के नेम आपको लर्न होने चाहिए. एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे ड्रॉ करना है वो फर्स्ट मैप में आप अच्छे से देख भी लो. ओके नेक्स्ट इज कि इंडियन ओशन में इंडिया की पोजीशन है, इंडियन ओशन में इंडिया की जो लोकेशन है उसका क्या सिग्निफिकेंस है. द लोकेशन ऑफ इंडिया इन इंडियन ओशन हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस. इंडिया रीच टू डिफरेंट कंट्रीज लाइक यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्दर्न अमेरिका, साउदर्न अमेरिका, अफ्रीकन कंट्रीज एंड अदर एशियन कंट्रीज. क्योंकि अदर एशियन कंट्रीज के साथ में या यूरोपियन कंट्रीज के साथ में, अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, उनके साथ में इजीली ट्रेड कर सकता है, इजीली वहां पर पहुंचा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द सी रूट, सी रूट की हेल्प से. ओके तो ये सिग्निफिकेंस है इंडिया का कि इंडिया है वो सी रूट का यूज करके डिफरेंट कंट्रीज में पहुंच सकते हैं इंडिया से हम. ओके देयर इज अनदर क्वेश्चन कि अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात में के सनराइज में 2 आवर्स का डिफरेंस है लेकिन फिर भी हमारी जो वॉचेज है वो सेम टाइम क्यों शो करती है. बिकॉज टू अवॉइड द टाइम कंफ्यूजन वी फॉलो द स्टैंडर्ड मेरिडियन. हम स्टैंडर्ड मेरिडियन के टाइम को फॉलो करते हैं इसलिए जो टाइम है पूरे इंडिया में वो एक ही होता है. क्योंकि जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इस पर जो टाइम होगा उसको पूरे इंडिया में हम फॉलो करते हैं. ओके एंड अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात में सनराइज का डिफरेंस क्यों था, क्योंकि लॉन्गिट्यूड डिफरेंस 30 है, एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट्स लगते हैं तो 30 लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 120 मिनट्स लगेंगे. इसलिए सनराइज 2 घंटे पहले होता है अरुणाचल प्रदेश में एंड देन 2 आवर्स लेटर कहां पर होता है, गुजरात में. ओके सो स्टूडेंट्स दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर में अगर ये इन्फॉर्मेशन हमें लर्न है या इन इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें पता है तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं फर्स्ट चैप्टर का. ओके फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स में जितने भी एक्सरसाइज है, एमसीक्यूज है, क्वेश्चन आंसर है वो सब आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, एक बार एनसीईआरटी चैप्टर रीड करेंगे अगर आपके पास में बुक है, नहीं है तो आप नोटबुक में जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं एंड जो वर्कशीट है एंड वीडियोज है उनकी हेल्प से एक बार रिविजन करेंगे अच्छे से. ओके सो चलिए आप सेकेंड चैप्टर देखते हैं इकोनॉमिक्स का. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमने अभी क्या पढ़ा था, देर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सबसे पहले हमें लैंड, देन लेबर, देन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. सो दीज आर द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. ओके इनके लिए आप एक फ्लो चार्ट के से भी आप इनको लर्न कर सकते हैं. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यू कैन राइट हियर, फर्स्ट वन इज लैंड, देन लेबर, देन फिजिकल कैपिटल एंड देन ह्यूमन कैपिटल. ओके फिजिकल कैपिटल को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, फर्स्ट वन इज वर्किंग कैपिटल एंड सेकेंड वन इज फिक्स्ड कैपिटल. अभी वर्किंग एंड फिजिकल है इनके एग्जाम्पल है. वर्किंग में हमने पहले अभी डिस्कस करा है, रॉ मटेरियल होना चाहिए तभी प्रोडक्शन स्टार्ट होगा एंड मनी इन हैंड, मनी इन हैंड. सो रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड दीज आर द वर्किंग कैपिटल. जबकि फिक्स कैपिटल क्या है, जो चीजें फिक्स रहती है दैट इज टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स. टूल, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स ये है फिक्स कैपिटल एंड रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड क्या है, वर्किंग कैपिटल. ओके सो इनके एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे जाए तो आप लिख सकते हैं क्योंकि आपको ये टर्म सही क्लियर है कि वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल ये फिजिकल कैपिटल के पार्ट है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्ज फार्मर एंड मीडियम फार्मर एंड स्मॉल फार्मर अरेंज टू मनी. अब फार्मर अरेंज क्यों करता है मनी, फार्मर फर्दर एग्रीकल्चर करने के लिए उसको मॉडर्न इक्विपमेंट्स की जरूरत है, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत है या HYV सीड्स की जरूरत है. सो उसके लिए उसे पहले पैसे की जरूरत पड़ती है. ओके सो वो पैसा कहां से अरेंज करते हैं, पालनपुर के विलेज में. लार्ज फार्मर एंड मीडियम फार्मर आप अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे लिख सकते हैं इसको, बहुत ही सिंपल वे में भी आप इसको लर्न कर सकते हैं.
कि लार्ज फार्मर एंड मीडियम फार्मर दे कैन अरेंज मनी बाय देयर सेविंग्स, अपनी सेविंग से। और सेविंग कहां से हुई है? सरप्लस प्रोडक्शन से। सरप्लस प्रोडक्शन क्या होता है? एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। एक खेत पर जितनी उन्होंने प्रोडक्शन किया है उसका सेल्फ कंजम्पशन करने के बाद में, खुद यूज करने के बाद में उनके पास में बचता है। सपोज वीट उन्होंने ग्रो कराया, वीट सेल्फ कंजम्पशन के लिए उन्होंने रख लिया लेकिन एक्स्ट्रा है, तो अब उसको क्या करेंगे? वो मार्केट में सेल कर देंगे। तो सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन हुआ है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को बेच करके उनके पास में सेविंग होती है, जो पैसा आता उसको वो यूज करते हैं। कौन? लार्ज फार्मर एंड मीडियम फार्मर। जबकि स्मॉल फार्मर क्या करते हैं? दे कैन बोरो मनी, या आप लोन भी ले सकते हैं कि लोन लेते हैं। कहां से लेते हैं? मनी लैंडर से। मनी लैंडर जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। इनको फायदा कुछ भी नहीं है क्योंकि इनको एक बहुत सारा अमाउंट है वो वापस चुकाना पड़ेगा अगर ये लोन ले रहे हैं, लेकिन इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि सेविंग नहीं है। सो स्मॉल फार्मर लोन लेकर के प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, जबकि बिग फार्मर एंड मीडियम फार्मर अपनी सेविंग्स यूज करते हैं। दैट्स इनफ। अगर इतना क्वेश्चन आता है तो इसमें आप सेविंग एंड लोन लिखेंगे तो इनफ। ओके, नेक्स्ट इज मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। पालमपुर की मेन एक्टिविटी क्या थी? एग्रीकल्चर थी। या इंडिया के भी किसी भी विलेज की हम बात करें तो प्राइमरी एक्टिविटी ही क्या है वहां की? एग्रीकल्चर। ओके, व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? देयर आर टू वेज टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड। अभी अभी हमने रिवाइज करा है, सो अगर उसी क्वेश्चन को हम दो तीन बार रिवाइज करें तो मिलान हो जाता है। टू वेज बाय विच वी इंक्रीज प्रोडक्शन ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड। सेम पीस ऑफ लैंड, जमीन हमारे पास में उतनी है लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाना है। दो तरीके बताए थे आपको, एक तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, एंड सेकेंड वन इज मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स फार्मिंग आप लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज मल्टीपल क्रॉपिंग। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या होता है? मॉडर्न फार्मिंग मेथड कि हम HYV सीड्स या फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स ये यूज करके भी हम बढ़ा सकते हैं प्रोडक्शन को, और हम मल्टीपल क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। एक एग्रीकल्चर ईयर में हम एक से बार खेती कर सकते हैं अपने खेत पर, जिसे हम कहते हैं रबी, खरीफ एंड जायर। रबी तब होता है जो विंटर में जो फसलें उगाई जाती है एंड समर आने से पहले जो काट ली जाती है, जैसे कि वीट एंड मस्टर्ड, सरसों और गेहूं आप बोते हैं खेतों में। खरीफ जब ऑनसून, खरीफ कब उगाई जाती है? ऑनसेट ऑफ मानसून, जब मानसून आता है यानी कि रेनफॉल सीजन जब आता है, तो इसमें ज्वार एंड बाजरा, ज्वार बाजरा कॉटन भी लिख सकते हैं आप खरीफ में। एंड जायद में क्या आ जाता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है लर्न करना कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हम HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, एंड मल्टीपल क्रॉपिंग में थ्री क्रॉपिंग सीजन है। सो मल्टीपल क्रॉपिंग में थ्री क्रॉपिंग सीजन है, रबी, खरीफ एंड जायद। रबी में क्या उगाया जाता है? दैट इज वीट एंड मस्टर्ड। खरीफ में ज्वार एंड बाजरा, एंड जायद में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ओके, सो टू वेज क्या है एक प्रोडक्शन को बढ़ाने के? लैंड पर, सेम पीस ऑफ लैंड है उस पर प्रोडक्शन बढ़ाने के क्या दो तरीके हैं? मॉडर्न फार्मिंग मेथड, मल्टीपल क्रॉपिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन मॉडर्न फार्मिंग मेथड से ही जुड़ा हुआ है। हमारा क्वेश्चन ग्रीन रेवोल्यूशन था कि 1960s और 1970s में इंडियन गवर्नमेंट ने फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को, राइस एंड वीट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो फार्मर्स थे उनको सब्सिडीज दी, उनको सस्ते दामों पर HYV सीड्स,
फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ये अवेलेबल कराया ताकि जो फार्मर्स है वो मोटिवेट और प्रोडक्शन करे। हुआ भी ऐसा ही कि वीट एंड राइस का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। जब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ इसे ही कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। बट ये तीन ही स्टेट में ऐसा करा था गवर्नमेंट ने, पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ओके सो 1960 से 1970 में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। एंड ये हुआ कहां कहां पर था, पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट भी थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, कि अगर आप बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर या एचवाईवी सीड्स यूज कर रहे हैं तो केमिकल है, केमिकल का आप यूज कर रहे हैं जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है। दूसरा एचवाईवी सीड्स है उनको बहुत ज्यादा इरिगेशन की जरूरत है। सो अगर इरिगेशन हम ज्यादा करेंगे तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल कम होता हुआ चला जाएगा। ओके सो मेरिट भी है ग्रीन रेवोल्यूशन के, कुछ डीमेरिट भी है। नेक्स्ट व्हाइट रेवोल्यूशन, इसका हमारी बुक में इतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा। व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द मिल्क, जो मिल्क है उसको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, मतलब एनिमल रियरिंग है उसको मोटिवेट करने के लिए उसे नाम दिया गया था व्हाइट रेवोल्यूशन। तो ये व्हाइट रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है, मिल्क प्रोडक्शन से। नेक्स्ट इज नियरेस्ट टाउन ऑफ पालनपुर, कल भी मैंने आपको बताया था अगर टाउन आता है नियरेस्ट तो आप लिखेंगे शाहपुर, शाहपुर। जबकि विलेज आता है नियरेस्ट विलेज तो आप लिखेंगे रायगंज। ओके फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग, फार्मिंग का मतलब क्या होता है, फार्मिंग का मतलब होता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। जबकि नॉन फार्मिंग का मतलब जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ नहीं है, दैट इज ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, शॉपकीपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ओके। नेक्स्ट इज रबी खरीफ एंड जायद, आपको अभी मैंने बताई दिया है। रबी जो विंटर सीजन के स्टार्टिंग में बोई जाती है फसलें वीट एंड मस्टर्ड, खरीफ जो रेनफॉल सीजन में बोई जाती है ज्वार बाजरा, एंड जायद जो इन दोनों के बीच में वन एंड टू मंथ का टाइम बचता है उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रो किए जाते हैं, दैट आर द जायद क्रॉप। वेजेस आर लो इन पालमपुर, पालमपुर में जो लेबर्स हैं उनकी वेजेस कम क्यों है, उनकी वेजेस कम इसलिए है क्योंकि वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मींस वर्क कम है लेबर ज्यादा है, लेबर ज्यादा होने की वजह से कंपटीशन है वो हाई है इसीलिए इनकी वेजेस है वो लो है। नेक्स्ट टू वेज टू इंक्रीज प्रोडक्शन अभी हमने पढ़ी लिया, कौन कौन से थे, फर्स्ट वन इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड एंड सेकेंड वन इज मल्टीपल क्रॉपिंग। ओके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन और है कि व्हाई वी शुड इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन, एरिया अंडर इरिगेशन को बढ़ाना क्यों जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा इरिगेशन करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। ओके इरिगेशन इज मस्ट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स या क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए इरिगेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो मॉनसून है वो इरेगुलर एंड अनसर्टेन है, हमें पता नहीं है कि मॉनसून होगी नहीं होगी टाइम पे, इसलिए इरिगेशन जरूरी है। ओके सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड चैप्टर, मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स थे सेकेंड चैप्टर के वो सारे एक बार रिवाइज करा दिए हैं, लेकिन द थिंग इज दैट कि आप वीडियो को अच्छे से देख करके समझ करके आप खुद अपनी रफ नोटबुक में लिख करके समझ सकते हैं कि क्या आपको बताया गया है। यू हैव आप अपनी फेयर नोटबुक अपने पास में रखेंगे जब आप वीडियो देख रहे हैं एंड उसके बाद में आप एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज, थैंक यू।